गोल्डन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट सुजानपुर में नेहरू युवा केंद्र हमीरपुर खेल मंत्रालय भारत सरकार के आदेशानुसार आस पड़ोस युवा संसद प्रोग्राम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में थाना प्रभारी सुहास शास्त्री ने विशेष रूप से शिरकत की। गोल्डन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट सुजानपुर में नेहरू युवा केंद्र हमीरपुर खेल मंत्रालय भारत सरकार के आदेशानुसार आस पड़ोस युवा संसद प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में थाना प्रभारी सुभाष शास्त्री ने विशेष रूप से शिरकत की। इस कार्यक्रम के दौरान नेहरू युवा केंद्र के संचालक रोहित यादव, नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवी राज अमित, गोल्डन इंस्टीट्यूट का स्टाफ सहित सभी बच्चे मौजूद रहे। बच्चों ने विभिन्न विषयों के ऊपर अपने विचार रखे और साथ में अध्यापिका कमलेश ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के ऊपर अपने विचार रखे और गोल्डन इंस्टीट्यूट के सेंटर हेड पवन ने पीएम के बारे में बच्चों को जानकारी दी और विभिन्न कोर्सों के बारे में अवगत करवाया। इसके साथ थाना प्रभारी सुभाष शास्त्री ने बच्चों को बढ़ते नशों की रोकथाम के लिए जागरूक किया और बेटियों की सुरक्षा से संबंधित बच्चों को मार्गदर्शन करवाया और साथ में अध्यापिका पिंकी ने योगा के बारे में बच्चों को बताया और युवाओं के अलग अलग आसन भी बताए और साथ में ये भी कहा कि योग करना हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है और सभी बच्चों ने ट्रैफिक नियमों का पालन करने के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। इस दौरान नेहरू युवा केंद्र हमीरपुर के संचालक रोहित यादव ने बच्चों को नेहरू युवा केंद्र संगठन के बारे में पूरी जानकारी दी और उन्हें विभिन्न स्कीमों के बारे में बताया और कार्यक्रम खत्म होने के बाद थाना प्रभारी सुभाष शास्त्री ने बच्चों के साथ गोल्डन इंस्टीट्यूट के आसपास से भांग उखाड़े और संदेश दिया कि सभी बच्चों ने घर में जाकर अपने घर के आसपास उगी भांग को उखाड़ना है और नशे को दूर भगाना है। इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों को दोपहर का भोजन भी करवाया गया और ये कार्यक्रम राजीव ठाकुर और अमित राणा की देखरेख में किया गया। ना संस्था के अंदर उसको बतलाया, ना हमने उसको अपने तौर पर बतलाया। इन चीजों के गुनाहगार हम सब लोग बराबर के। और जहां तक शायद मैडम जी ने एक बात बोली थी कि जब कोई अत्याचार या कोई ऐसी बात होती है, जैसे कि जस्ट लाइक शिमला में गुड़िया कांड हुआ था, तो थाने तक जला दिए लोग, तब तो एकत्र तो हो गए, लेकिन जब वो अत्याचार हो रहा था तो वो सबसे पुलिस तो कहां थी वहां पर, तो वो लोग जो भी कारोबार खुद अपने ठीक, तो उनके बीच में सहनशीलता नहीं रही। शादी होने के बाद पति के साथ नहीं बढ़ती, पति बोला कि नहीं भी भ्राणा का वहां नहीं जाना है, तो बोलती नहीं मैं तो आत्मनिर्भर हूं। इन चीजों को भी ध्यान में रखें,